टेक्निकल एडवाइस टुडे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हमारा जो फ़ोन हैंग होता है और जैसे अगर हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से तो वो डाउनलोड नहीं होती, उसके लिए स्पेस मांगता है ना, तो वो स्पेस कैसे हम उसको क्लियर कर सकते हैं ताकि हमारा कोई, जैसे मान के चले अगर कोई हमें 1 GB की कोई ऐप्स डाउनलोड करना है या कोई वीडियो डाउनलोड करना है, मूवी डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हमारा जो प्रोसेसर है वो रन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम आज बात करेंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि हमारे जो मोबाइल की मेमोरी है वो फुल हो जाती है ना, और वर्क नहीं करती है, तो उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हमारा मोबाइल वर्क नहीं करता है, कोई ऐप्स डाउनलोड नहीं होता है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मोबाइल हैंग करने लगता है। तो इन सब चीज़ से, इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे है ना कि अपने मोबाइल की मेमोरी को कैसे क्लीन करें ताकि हमारे जो मोबाइल है अच्छी तरह से रन करे, अच्छी तरह से वर्किंग करे, कोई हैंग ना करे, प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं, चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो आप ये मानेंगे कि कभी भी आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा और कभी भी आपकी मेमोरी फुल नहीं होगी, कभी भी मरते दम तक आपकी मेमोरी फुल नहीं हो सकती दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ से इसको, मैं आपको करना कुछ नहीं है, आपको सेटिंग में जाना है, मोबाइल की सेटिंग जो होती है वहाँ पे आपको सेटिंग में जाके यहाँ से आपको उसको सेटिंग में गया। यहाँ पे दोस्तों एक ट्रिक होती है, यहाँ पे देखिए स्टोरेज, हो सकता है कुछ मोबाइल में दूसरी सेटिंग हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों स्टोरेज, स्टोरेज होता, देखिए ये देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे में यहाँ पे कर रहा है ऐप्स के नीचे स्टोरेज एंड USB, यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपके मोबाइल में दूसरी तरह से खुल दें, ओपन हो, आपको यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे, तो आपको इंटरनल स्टोरेज में 3 डॉट दिख रहा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में जाना दोस्तों कैश डेटा, कैश डेटा। दोस्तों अगर आप कैश डेटा को क्लियर कर देते हैं तो यहाँ से आप काफ़ी मेमोरी जो है आपकी क्लीन हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ 446 MB ना, यहाँ पे कैश डेटा, ये आप सबसे प्रॉब्लम आती है अगर आप कोई ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्ले स्टोर में प्रॉब्लम आती है, कोई वो ऐप्स इंस्टॉल नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे आपको क्लीन मांगता है कि आप ना यहाँ पे जो आपका मेमोरी है भरा हुआ है, इस चक्कर में आपका कोई भी ऐप्स इंस्टॉल नहीं हो सकता, उसके लिए पहले आपको कोई अपना जो आप इम्पॉर्टेंट ऐप्स है उसको आपको अनइंस्टॉल मानना पड़ेगा, ये क्लीन ही करिए तब तो आपको बाकी ऐप्स इंस्टॉल करेंगे तब जाके आपको ये यहाँ से इसको कोई ऐप डाउनलोड हो पाता, तो इसलिए आपको ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं करना है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, कैश डेटा पे जाना है और यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे इसको मैं जैसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे बोलता है क्लियर कैश डेटा, दिस विल क्लियर कैश डेटा फॉर ऑल ऐप्स, तो जो ही प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ से आपको इसको क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ तो यहाँ से आपको ये क्लीन होगा। अब दोस्तों आप कैश कोई भी ऐप्स अगर आप डाउनलोड करते हैं तो सिंपली तरीके से आपका देखिए यहाँ से क्लीन हो गया है ना, यहाँ पे 4 GB है, देखिए 11 MB, देखिए यहाँ पे टोटल मेरा काफ़ी क्लीन हो गया यहाँ पे, देखिए तो ये यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है ना, और काफ़ी अच्छा वर्क करता है दोस्तों ये ट्रिक अगर आप कर लेते तो आपकी बता रहा हूँ लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मोबाइल की, और कोई भी ऐप्स अगर आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे मान लो कि अगर गेम कोई इंस्टॉल करते हैं तो गेम थोड़ा सा क्या हैवी रहते हैं ना, 70 MB है ना, 1 GB 1.5 GB के भी कुछ गेम रहते हैं, तो उनसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस चीज़ को अगर हमेशा ट्रिक को अगर यूज करते हैं तो आपका मोबाइल एकदम स्मूथली फ्री चलेगा, एकदम पानी की तरह फ्री चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोई भी ऐप्स अगर आप इंस्टॉल करते तो इजीली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों इस जानकारी को मैं अब ध्यान रखिए, और जैसे भी कोई अगर नेक्स्ट ऐसी कोई ट्रिक मिलती है दोस्तों तो मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।